हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम के पासवर्ड को रिसेट किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे किसी मोबाइल के पासवर्ड को रिसेट किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो इंटरनेट पर आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सभी सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, उनके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्री में आपको बताएंगे कैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम के पासवर्ड को क्रैक किया जाता है। तो दोस्तों, पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर विंडो डली होनी चाहिए। इस तरह की पेन ड्राइव का इस्तेमाल हम इस वीडियो में करने वाले हैं, या फिर आपके पास इस तरह की डीवीडी होनी चाहिए जिसके अंदर विंडो डली हो, और विंडो का वर्जन आपके कंप्यूटर सिस्टम से मैच होना चाहिए, तभी आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। मान लिया जाए आपके पास विंडो 10 है, तो विंडो 10 का ही वर्जन आपकी पेन ड्राइव के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे किसी विंडो का पासवर्ड को रिसेट किया जाता है, ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं एसपी इंडियन टेक। दोस्तों, मेरे पास ही एक लैपटॉप पड़ा हुआ था, मैं इसका पासवर्ड भूल गया हूँ। अब मैं इसका पासवर्ड रिसेट करके दिखाऊंगा। ये आपके पास मैंने बताया है एक विंडो की पेन ड्राइव होनी चाहिए, या फिर आप डीवीडी भी हो सकती है। दोस्तों, मेरे पास ये एक पेन ड्राइव है जो कि बूटेबल है। बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाई जाती है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाया जाता है। इसमें मैंने विंडो 10 को बूटेबल बनाया हुआ है, और मैं अब इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करूंगा। कंप्यूटर में इंसर्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं, यहां पर मैं अपना पासवर्ड भरता हूं और एंटर करता हूं, तो यहां पर पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है। अब हमको ये पासवर्ड रिसेट करना है, और मतलब पासवर्ड को क्रैक करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होगा। कंप्यूटर को बूट मोड में जाने के लिए F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पर F12 कंटिन्यूअसली प्रेस करते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये आपके कंप्यूटर का बूट मेन्यू है। यहाँ पर आपको USB स्टोरेज डिवाइस USB सेलेक्ट करना होगा। सेकंड नंबर पर USB स्टोरेज डिवाइस है, इसको सेलेक्ट करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा, तो ये आपके पेन ड्राइव से विंडो को लोड करना शुरू कर देगा। इसके लिए यहाँ पर कुछ वेट करना होगा। विंडो लोड हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फ्रेंड्स, इस इंटरफेस के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर रिपेयर योर कंप्यूटर पर क्लिक करना है, देन कुछ वेट करना है। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पर ट्रबल सूट ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ कमांड टाइप करनी है। स्टेप बाय स्टेप उन कमांड को यहाँ पर टाइप करेंगे, C:: और एंटर प्रेस, देन CD स्पेस और विंडोज, देन एंटर, देन CD स्पेस System32। और एंटर। एक कमांड और लिखेंगे, कॉपी COPY यूटिल मैन स्पेस देके .exe स्पेस यूटिल मैन .exe। यहाँ पर आपको यूटिल मैन .exe लिखना है, 5 वगैरह नहीं लगाना है। मैंने ऑलरेडी पासवर्ड सेट किया हुआ है, तो मैं इसलिए यहाँ पर 5 लगा रहा हूँ। देन एंटर प्रेस करेंगे। देन इसके बाद एक कमांड और लिखेंगे, COPY कॉपी स्पेस CMD .exe स्पेस CMD, और मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, आपको केवल CMD लिखनी है, और एंटर प्रेस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने बोल दिया है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड फाइल, मतलब कमांड यहाँ पर मुझको चेंज करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कमांड को चेंज करेंगे, COPY कॉपी स्पेस CMD2.exe स्पेस CMD3.exe। 2 और 3 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पासवर्ड को चेंज कर दिया है। यहाँ पर लिखा मिला है वन फाइल इज कॉपीड। यहाँ पर अगली कमांड है
डिलीट DEL स्पेस यूटिलमैन डॉट exe और एंटर प्रेस कर देना है। देन आपको इसको रीनेम करना होगा। इसके लिए यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे रीनेम स्पेस cmd। यहाँ पर आपकी नॉर्मली cmd.exe कमांड होगी, मेरी यहाँ पर cmd1.exe कमांड होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक बार पासवर्ड रिसेट कर चुका हूँ, स्पेस utilman.exe। ये कमांड लिखने के बाद आपको इसको एंटर करना है, देन आपको यहाँ पर इसके बाद एग्जिट करना है। ये आपकी कमांड है, एक्यूरेट कमांड लिखनी है आपको। मैंने यहाँ पर 1 इसलिए लगाया है और 4 इसलिए लगाया क्योंकि मैं एक बार पासवर्ड रिसेट कर चुका हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपको cmd1 नहीं लिखना है, cmd.exe लिखना है। देन इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे और अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देंगे। देन इसके बाद अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे और नॉर्मली ऑन होने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ध्यान रहे आपको विंडो की जो आपने पेन ड्राइव लगाई है उसको निकालना नहीं है, उसको इंसर्ट ही रहने देना है। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक अवश्य कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो फ्रेंड्स आपके सामने अगेन इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आपको इस तरह का आइकन नजर आएगा। देखिए जहां पर मेरा कर्जर है इस पर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने एक बार फिर से कमांड ओपन हो गई है। यहां पर आपको एक कमांड और टाइप करनी है, कंट्रोल स्पेस यूजर पासवर्ड और 2। यहां पर आपको 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पासवर्ड चेंज किया हुआ है, तो मुझको यहां पर 2 लिखना है और एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपने पासवर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं और पासवर्ड को रिसेट भी कर सकते हैं। पासवर्ड रिसेट करने के लिए यहाँ पर आपको रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा, देन आपके सामने इस तरह का मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड जनरेट करेंगे, कुछ भी पासवर्ड आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड लिखेंगे और देन ओके कर देंगे। आपके कंप्यूटर का पासवर्ड यहाँ पर रिसेट हो गया है, इसको यहाँ पर ओके कर देंगे और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ जो मैंने पासवर्ड भरा था, और एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पर आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत।